इसको दिखाइएगा। तो मतलब एक बेबी का हम कलर देखेंगे किस तरह का है, पिंक है, रेड है, क्या है, येलो है। और येलो है तो जॉन्डिस वगैरह का शिकायत रहेगा। तो ये मेरा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी पूरी तरह से बेबी पिंक है। उसके बाद फिर पल्स रेट देखेंगे, हार्ट रेट जिसे देखेंगे। तो हार्ट रेट हम हाथ से नहीं दे सकते, तो उसके लिए स्टेथो हम दे सकते हैं, स्टेथो से देख सकते हैं। रुकिए, स्टेथो निकाल लेते हैं, ये कर देंगे इसको। बेबी का हार्ट हार्ट रेट देखेंगे कि कितना बेबी का हार्ट रेट नॉर्मल होता है। हार्ट रेट चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर मसाज स्टोन चेक करेंगे। मसाज स्टोन में होता है कि अब किसी तरह का मसल स्टोन है, मतलब बेबी का मसल्स किस तरह का है, उसका टोन किस तरह का है, ये चेक करेंगे। रिस्पायरेशन चेक करेंगे बेबी का। रिस्पायरेशन में होता है कि अगर ये देखिए रिस्पायरेशन सांस ले रहा है, तो जो नॉर्मल बेबी नहीं होता है, तो उसको यहाँ पर गड्ढा बनता है, जल्दी जल्दी छाती ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये बेबी मेरा नॉर्मल है, देखिए बहुत अच्छे से सांस ले रहा है, यहाँ पर किसी तरह गड्ढा नहीं बन रहा है, नॉर्मल रह रहा है बेबी का। रिस्पायरेशन 40 to 60 होता है। सो मेरा न्यूबॉर्न बेबी गुड कंडीशन में है, बेबीज मेरा गुड है, इसको पेडियाट्रिशियन कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा बेबी सब चीज में ओके है। वेट भी इसका इसका वजन भी है 3 किलो 6 से इसका वजन है। अब इसको बेबी को भूख लगा हुआ है, इसको माँ के पास जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इसकी माँ को ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि टाइम ही थी तो ये रिपेयर हो रहा था, तो थोड़ा सा टाइम लग गया ब्रेस्ट फीडिंग में। ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग 1/2 आवर के अंदर करा देते हैं। चलिए माँ को देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। चलो ये देखिए मेरा क्यूट न्यूबॉर्न बेबी मेरा। आए, रुको, रुको। ए, मेरा न्यूबॉर्न बेबी देखिए। आप अपगर स्कोर, आप अपगर स्कोर बारे में हम बताने जा रहे हैं। आप अपगर स्कोर होता है कि आफ्टर डिलीवरी जस्ट बर्थ बेबी कंडीशन, बेबी कंडीशन क्या है उसको हम चेक करते हैं, इसलिए वो अपगर स्कोर करते हैं। अपगर स्कोर में होता है कि क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो बेबी का कलर देखते हैं, अपेरेंस देखते हैं। अपगर स्कोर का फुल फॉर्म होता है ए फॉर अपेरेंस होता है। अपेरेंस में होता है कि बेबी किस तरह से दिख रहा है, लुकिंग में वो किस तरह का है, सब चीज जो उसमें कलर स्किन साइज सब चीज अपेरेंस में देखेंगे। फिर ए पीस मतलब होता है पल्स देखेंगे, बेबी का पल्स जनरली 120 to 160 होता है, तो वो चेक करेंगे बेबी का पल्स। जीस होता है ग्रिमेसी मतलब स्टिमुलेशन, बेबी का स्टिमुलेशन कैसा है, रिफ्लेक्शन कैसा है। ए से एक्टिविटी, बेबी का एक्टिविटी किस तरह से, विग्रस बेबी है या नॉन विग्रस बेबी है, एक्टिव है, सुस्त है, लेथार्जी, वो चेक करेंगे। आर से होता है रिस्पायरेशन, बेबी का रिस्पायरेशन हम चेक करेंगे, बेबी का रिस्पायरेशन तेजी तेजी चल रहा है, ब्रीथ कर रहा है या फिर स्लो है, या ब्रीथिंग करते समय उसका चेस्ट में गड्ढा पड़ रहा है, ये सब चेक करेंगे। तो अगर अपगर स्कोर हम चेक कर रहे हैं बेबी का, तो उसमें अगर 4, 7 से 10 आता है अपगर स्कोर स्केल, तो समझेंगे बेबी मेरा गुड है, गुड कंडीशन में। अगर वही अपगर स्केल 4 से 6 आता है, तो बेबीज न्यूबॉर्न बेबीज फेयर, फिर भी उसको पेडियाट्रिशियन कंसल्टेशन जरूरी है, उसको एक बार डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। तो अपगर स्कोर में मेन होता है हम लोग कलर देखते हैं। तो कलर में क्या होता है, कलर